अस्सलामुअलैकुम जी फैम, ऐसा पासा थोड़ा सा पासा पासा, मैं आ रही हूँ बोलने। अस्सलामुअलैकुम जी फैमिली, कैसे हो आप सब? आज का ब्लॉग मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। हम लोगों ने प्लान बनाया है, मैं और बच्चे जा रहे हैं एम्पोरियम। हमें थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा सामान चाहिए, बच्चों की शर्ट्स मुझे लेनी है और इसके अलावा लंबी सी हेलो मेरा कैमरा मैन खिलौने भी। तो खिलौने खिलौने तो हर मैंने लेके देने वाली देने खिलौने आप। अच्छा तो मैंने बेबी को तैयार कर लिया, निकलता है तो बेबी को हम फीडर खिला रहे हैं क्योंकि बेबी को भूखो ना लग जाए, बाकी चीजें मरी रहती। गुड्डा गुड्डा हंस रहे, ये किसको देख के हंस रहे हो? ये देखो, और मैंने आज ये नए तरह का एक नकाब स्टाइल जो है ट्राई किया है। मैंने दसना की में लग रहा है, बस थोड़ा सा मेरे पास आ गया, तो पता नहीं बात कैसी वीडियो में आ रहा है। भाई हंस आ गया हो सीना नहीं है, पिछड़ो। मैंने ये हेड स्कार्फ जो है रैप करके और ये वाला नकाब लगाया है, ये बहुत टाइट है यार, ये मेरी ना बहुत दर्द कर रही है इसकी वजह से, और आंखें भी थोड़ा टाइट है, लेकिन चलो। और उसके बाद मैंने ये वाला जो है स्कार्फ, इसको मैंने हेड पे इस तरह से रैप किया है। तो अभी हम जाएंगे जल्दी से क्योंकि देर हो रही है। तो जनाब, घर से निकलकर सबसे पहले मुझे जाना था जीवन ज्वेलरी वाले स्टॉल पर, मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, ज्वेलरी जो है लेनी थी, और साथ में मैंने इनकी वीडियो भी बना ली। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप इस स्टॉल का बेबी मुझे चुप जानी मैं थोड़ा सा बोल लूँ जी जी अगर मैं स्टॉल का बिल्कुल डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ मुझे वो ज़रूर बताइएगा। मामा ज्वेलरी देखें कितनी प्यारी है, तो इतनी कमाल की और अफोर्डेबल भी है, और सबसे मज़े की बात मुझे ये लगी इर्तुगल की इर्तुगल की चीज़ें भी हैं, मेरा बेटा आप लोगों को बता रहा है, और मामा लेकर आई थी। और सबसे मज़े की बात यह कि ऑनलाइन अगर आप लोगों को चीज़ें बाय नहीं करनी, अगर आप लाहौर एरिया में रहते हो, जीवन के पास रहते हो, जो टाउन एरिया के पास, तो आप इस स्टॉल को खुद भी विजिट कर सकते हो। मैंने इसका जो पेज का लिंक है वो अपने इंस्टा पे शेयर करती रहती हूँ, और उनका एड्रेस भी मैंने शेयर किया है। इनके इंस्टा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन भी कर दूँगी। मैंने बहुत सारे ज्वेलरी के लाइक स्टॉल्स देखे हैं इछरे में भी और बाकी जगह पे भी अफान जानी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी ज्वेलरी मैंने कहीं नहीं देखी। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में ये वाले कांटे देखे आप कितने प्यारे हैं, एयर रिंग्स की जो वैरायटी थी वो हद से ज़्यादा थी और बहुत प्यारी थी। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी जो है ज्वेलरी के स्टॉल जो हैं विज़िट करूँ। वैसे मैंने लिबर्टी के भी किए हुए हैं विज़िट, लेकिन वो उन सबसे बेटर मुझे ये वाला स्टॉल लगता है, ठीक है। और ये रिंग्स की भी वैरायटी है बहुत ज़्यादा वाली। इसके बाद हम लोग दोबारा चले गए हैं एम्पोरियम, क्योंकि आज फाइनली मुझे बच्चों के लिए शॉपिंग ज़रूर करनी है। और मैं यहाँ पे अबान को कह रही हूँ मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाओ, दीदियो व्लॉग बनाए हम व्लॉग, क्योंकि हम वी लॉगर हैं और हमारे साथ घटना घट गई कि जाते ही हमारे जो जाते ही तो नहीं घर से ही हमारे प्राम का एक टायर तो टूटा हुआ था, लेकिन मैंने कहा शायद ना बेबी का वज़न इतना नहीं है, हमारी प्राम इजीली चल पाएगी, लेकिन उसने चलने से इनकार कर दिया और एक टायर जो है साइड से पूरा एक तरफ को मोड़ रहा था, क्योंकि वो दो टायर की स्पोर्ट से चलती है। तो फिर मैंने कहा चलो बेबी का वज़न इतना नहीं है, मैं हल्का सा ना प्राम को आगे से थोड़ा सा उठा के चलाती रही, तो ईज़िली हमारा काम हो गया था क्योंकि बेबी का इतना वेट नहीं था। तो बनी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेबी को पकड़ के कितने पारे लग रहे हो मेरे गुद्दे, कितने पारे लग रहे हो। ये शर्ट्स देखे माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे मैचिंग की है बच्चों की, और बच्चा पार्टी जो है एम्पोरियम में भी है, कराची में भी है, काफ़ी शहरों में मुझे लग रहा है ना। इनका भी इंस्टा पेज भी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी और वीडियो बना लूँ ना जानी, तो उन्होंने कहा जी जी ज़रूर बनाइए। नहीं तो अक्सर ऐसे होता कि शॉप्स वाले मना कर देते कि आप हमारे शॉप में वीडियो ना बनाएं, तो पहले मैंने उनसे इजाज़त ले ली थी, तो वो तो खुश हुई थी काफ़ी कि आप वीडियो बना लें। फिर मैंने साथ आप लोगों के लिए भी शूट कर लिया, और ये वाली शर्ट्स जो है मुझे पसंद नहीं थी, इन ग्रे इनके शॉर्ट्स के साथ निकर्स के साथ, तो फिर मैंने इनके दो दो ड्रेस जो है वहाँ पर मैचिंग किए। और अफान ने मुझे थोड़ा सा बीच में तंग करना स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने उसको साइड पर बैठ के फीडर भी पिलाया, और ये एक रैंडम सी वीडियो बनाई थी। काफ़ी बड़ी जगह, बच्चे बड़े इसमें खुश होते हैं, है ना बान? आपको मज़ा आया था इसमें? बहुत भागते हो यार आप इसमें, बहुत भागते हो, मैंने इंदर से आपको नहीं लेके जाना। तो आपको इसमें वैसे काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लड़कियों की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, टॉयज छोटे जो ये मेरे चुन्ना पुन्ना बेबी है, अफान के कपड़े बहुत ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन मैंने खुद ही नहीं लिए क्योंकि मैं इसके ऑलरेडी इतने ज़्यादा खरीदे हुए। मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, अफान समझ रहे मेरे साथ आप बातें कर, ओए जानी। तो यहाँ पे एक मैंने जो साइड पीछे करके एरिया था ना ये एम्पोरियम, अक्सर आप लोगों में से सबने देखा होगा, वैसे बहुत ही प्यारा ये जगह। यहाँ पे पहले ना टिकटॉकर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाते थे, लेकिन अब नहीं नज़र आते वहाँ पर क्योंकि शायद
जो मॉल की सिक्योरिटी है उन्होंने काफ़ी पाबंदी, इतनी नहीं पाबंदी लेकिन सख्ती टाइप की हुई है, क्योंकि पहले टिकटॉकर्स ने बहुत ज़्यादा इस एरिया को यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो अभी तो आज तो हमें वैसे कोई इतनी वीडियोस बनाने वाले हैं ना बाहर नज़र नहीं आए, है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे बना रहे थे। When in doubt, just skate it out. Skating है यहाँ पे बनी हुई, तो थोड़े बड़े बच्चे ही कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने पूछा था कि बांध सिनान, लेकिन नहीं, थोड़ा बड़ा बच्चा पता नहीं क्या एज। अब मैं तो कर सकता हूँ ना। जानी अभी भी छोटे हो आप, बताया तो था उन्होंने आपको मना किया। वो पिछले साल की बात थी, चलो एक साल दोबारा पूछ लेंगी। हूँ जी, तो यहाँ पर ही इस एरिया में आगे जाकर ना ये था ट्रैम्पोलिन, और इसके सामने $1 शॉप है। मुझे $1 शॉप में जाना है, और मेरी मामा साथ में सो गई हैं, और उनकी अगर फराटों की आवाज़ आ रही हो तो वेरी सॉरी बनी सोने दे आ जा। तो ये ट्रैम्पोलिन जो है हम फिलहाल बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम से आना पड़ता है, और है ना बान, हम एक दफ़ा ली हुई है, हमने सिर्फ एक दफ़ा अभी तक ट्रैम्पोलिन लिया। ओ जॉनी, जानू जानू, अच्छा आपसे बात कर रही हूँ, आपसे आपसे, और यहाँ पे आप बान जो प्राम लेके बेबी को बाय खलाला अल्लाह बान आपको बाय बाय। और मैं जल्दी से भाग के $1 शॉप में गई, और जो मैंने शॉपिंग की वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। हाँ जी, अच्छा $1 शॉप मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, वैसे मैं इतना इसमें गई नहीं हूँ अभी तक, लेकिन अब मैंने सोचा इसी में जाना करना है कि 165 की पूरी दुकान में से जो सी मर्जी आप चीज़ लो 165 की आपको मिलेगी, है ना बान जानी। अच्छा मेकअप भी था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कोशिश तो की है थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। ये देखें मेकअप की काफ़ी जो स्पंचेज जो वो होते हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं क्या बोलेंगे सर, फेशियल वाले, ये भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी इतनी। और ज्वेलरी भी थी, तो मुझे देखने की भी पड़ी हुई थी, वीडियो बनाने की भी पड़ी हुई थी, और बाहर बच्चे खड़े थे उनकी भी टेंशन थी कि मैंने बाहर 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 जाके बच्चों को भी देखना है, तो देख लें एक टाइम में मैं कितने काम कर रही थी। तो ये माला, थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी, और ये बच्चों छोटी लड़कियों के लिए, तो मतलब ये देखें इतनी क्यूट सी बेबी एक थी छोटी सी, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, उसने अपनी मामा के साथ मैचिंग कपड़े पहने हुए थे, बहुत अच्छी लग रही थी। और इयररिंग्स भी ये वाले मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा क्लोज बनाया। और ये सब वैरायटी जितनी भी आपको नज़र आ रही है 165 के लेते जाओ, है ना वन। ये तो सोने की चूड़ी इतनी महंगी होती है, ये सोने की नहीं है जान, ये आर्टिफिशियल है, तो ये इतनी महंगी होती है, महंगी होती नहीं है ये, जो दूसरी ज्वेलरी है ना। तो इसके बाद जो है 165 का एक ये मिल जाएगा, ये एक एक जो इसमें से जोन से भी चीज़ लोगे ना वो 165 की ही है, ठीक है, क्योंकि $1 शॉप है, क्योंकि $1 शॉप है। और ये देखें बच्चों के टॉयज का भी वादू टेर है, अगर आपके बच्चे भी तोड़ते पोड़ते रहते हैं तो उनको यहाँ से एक्स्ट्रा वादू सारे उठा के ले दो। अच्छा क्रॉकरी मतलब लाइक किचन से रिलेटेड चीज़ें भी बड़ी अच्छी थी, तो मैंने वाटर बॉटल्स ली थी, अबान अच्छी लगी हैं आपको। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो ये ऑर्गेनाइज़र थे, छोटे छोटे से पिनू पिनू से, और बॉटल्स और माम बड़े बड़े ले लेते जानी छोटे थे, वैसे भी वो उस पर बना हुआ था ना, उस पर बने हुए थे, लेकिन इनके पास सिर्फ छोटे ही थे, तो मैंने कहा चलो ज्वेलरी के लिए दो छोटे लिए। नहीं नहीं जानी ये डबल रखे हुए उन्होंने, ये हैं छोटे। फिर मैंने इसमें पिंक और पर्पल कलर लिया, और मज़े की बात यह इनके जो लॉक्स भी लगे हुए हैं, इनके ड्रॉ को है ना बंद लॉक लगा हुआ ना, लॉक खोल के आप फिर मुझे वो चेक करवाने हैं, मैंने कहा मुझे एक खोल सोना उनको उनको पता ही नहीं चलेगा कि किधर से खुलते हैं। नहीं ऐसी बातें नहीं करते ये जो लड़के हैं ना, बच्चे छोटे आपस में ऐसी गप्पे लगाते रहते हैं बैठ के, तो मुझे खोल के भी चेक करवा रहे हैं कि मुझे इसके वो देखने थे, जो पानी लेके नानों के लिए, मुझे भी पानी लगा, तो मुझे प्यास लगी। ये टोकरियाँ भी काफ़ी अच्छी थी, किचन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब 165 में आप कोई चीज़ सी भी चीज़ लो, बाथरूम से रिलेटेड भी है, इवन के और लेना ये बॉक्सेस हैं ढक्कन वाले ग्लास। मामा ये मुझे ये 165 की हर चीज़ है मामा, मेरी मामा उठ गई है, मैं साथ आपने भी दिखाऊं, $1 शॉप है। मामा मुझे सबसे अच्छे ये लग रहे थे नमक मिर्चों के डब्बे के, बड़े अच्छे प्लास्टिक के, बड़े अच्छे बने हुए 165 का सिर्फ एक, बहुत अच्छा लग रहा है, और फाइन भी, और बड़े क्लासी से लुक लग रही थी। अच्छा जानी तुसी तो चुप करो, बड़ी क्लासी चीज़ें नहीं, पीछे मैं नाना को और भी दिखाऊँ, चलो चलेंगे यहाँ पे पीछे। ये वाले जो ग्लास थे ना मामा, ये देखें ये भी कितने मज़े के लग रहे हैं, बड़े अच्छे बने हुए, ये नहीं कि हल्के उसके बने हुए, अच्छी चीज़ें बनी हुई। वो वाली जो बोतल हम लाए हैं ये यहीं से लाए हैं, ये दो थी, मैंने खुद ही इस तरह की नहीं ली, मैंने कहा प्लेन में लेते हैं इनको। हमें चटाइयाँ भी थी वहाँ पर, बड़े बड़े बॉक्सेस भी 165 के, मतलब हर चीज़ 165 की है, और वाइपर भी हैं, सारा कुछ घर से रिलेटेड काफ़ी अच्छा। यहाँ पे ना मामा रश और तो टूटी पड़ी थी ऐसे ना, आप 165 उनको ये नजर आता है 165 में, वो बाद में बिल 3-4 हज़ार बने, ज़्यादा बने, लेकिन 165 नज़र आ रहा है। लोगों ने ट्रॉलियाँ भरी हुई, वो जो बकेट्स पकड़ी हुई थी, इतना रश था इस साइड, फैमिली बड़ी है उनके लिए बर्तन अच्छे हैं, बर्तन भी थे सच। हाँ मैं वही बताने लगी हूँ, क्रॉकरी वाली साइड भी थी, मैं उस तरफ गई नहीं क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं था।
चलो जी वो मुक भी गया। उसके बाद मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई, फिर बच्चे मेरे तंग कर रहे थे, हम भाग कर नीचे आए हैं कारफोर में। मैंने कहा कुछ खाने के लिए लेते हैं और घर चलते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पे पराठा रोल, पराठे बन रहे हैं। मामा वो इतने छोटे छोटे पेड़े लेके पराठे बना रहे थे, मज़े के बनाए थे उन्होंने, बच्चों को पसंद आए थे। वैसे मामा जो ग्रिल्ड चिकन नहीं, यहाँ से चिकन सैंडविच जिनका खाया था, तो उनके पास सैंडविच खत्म हो गए थे, तो कह रहे थे हम पराठे बना रहे। मैंने कहा चलें दो पराठे मेनू भी ला दो, बाकी कस्टमर के लग रहे हैं साथ साथ पराठे पकाते ऊपर लगा पराठे लगा के, हाँ ऊपर मायोनीज या अपनी कोई भी जो ड्रेसिंग्स हैं वो सारी करके, फिर ऊपर बड़े मज़े के सारे सैलड डाल के चिकन डाल के मज़े मज़े का बना रहे हैं। बाना आपको पराठा कैसा लगा था, पराठा रोल कैसा लगा था, मज़े का लगा था? जल्दी से बताओ कैसा लगा था, सही तरह से बताओ ना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इनका सैंडविच ट्राई करें तो वो ज़्यादा मज़े का होता है। वैसे पराठा भी मज़े का था। मामा देख रहे हैं कितना उन्होंने चिकन लोड किया, नहीं तो कहीं होते हैं बस सुंघाते हैं दूर से एक दो बोटी रख के अल्लाह हाफ़िज़ हो जाते हैं, है ना बांधे नहीं बस ख़त्म होने लगे। हम लोगों ने एक्चुअली बहुत सारे काम करने, और मैं कह रही हूँ मैं अपने ब्लॉग्स का खपेड़ा ख़त्म करूँ। चलो जी ख़त्म हो गया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मामा देख लें आपके कहने पर मैंने फ़ौरन ख़त्म कर दिया, बांध छोड़ो।